हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइड साक्षी दिनचल। और आज मौसम बहुत धूप हो रखी है। फिलहाल मैंने जस्ट वर्कआउट फिनिश किया है रिया दी के साथ। स्टैमिना बिल्कुल ख़त्म है बॉडी का, पता चल रहा है। बैंड बजी पड़ी है, ये नतीजा होता है जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो। बट आज का दिन बहुत प्यारा होने वाला है। बिकेस मैं जा रही हूँ मेरे गार्डन भाई के साथ, एंड देयर इज़ अ फूड फेस्ट, मतलब खाना टेस्टिंग है वहाँ पे। तो वो स्टार्ट होने वाला है 7 बजे शाम। मेरा मेकअप हो चुका है, आई मीन टचअप, नॉट मेकअप, बिकॉज प्रोडक्शन फेस खराब हो जाता है, कुछ सूट नहीं करता। लेट्स सी आशीष रेडी है कि नहीं। यो, ही इज़ ऑलमोस्ट रेडी। नाया भी अभी है गाइस। ये क्या हुआ? अच्छा, दो साइड को लगाने रह गए तो मेरे यहाँ पर ये किसलिए होते हैं? ऐसा लोगों को पता है किस दरवाजे पे खिंचा के मार सकते हैं इसके बाद से। अच्छा, इतनी देर खिंचा के नहीं मारना हम लोगों ने दरवाजों पे, तोड़ देने हैं दरवाजे बॉटल्स। कोई नहीं, लेट हो रही है, मैं गाड़ी निकालो। ये सीरियसली पेन अटकाने वाला ही लग रहा है मुझको। सो यू नो गाइस, मेरी मंडे को गाड़ी जा रही है सर्विस पर, एंड इट्स गोना बी टेकिंग लॉन्ग टाइम टू गेट ओके, बिकॉज उन्होंने 10 दिन मांगे। आई डोंट नो 10 दिन से ऊपर कितने दिन लगेंगे। सो इट्स लाइक आई एम रेडी टू रोल टूडे एंड स्टार्ट विद द ब्लॉग। सो लेट्स गो टू द इवेंट एंड सी क्या होता है। सो मैं जा रही हूँ मेलन गार्डन। मेलन गार्डन जो पड़ता है वो रजौरी में पड़ता है। मेलन गार्डन में आज थाली टेस्टिंग प्रोग्राम है। सो लेट्स सी कि थाली टेस्टिंग कैसा रहता है। इट्स अ वेज थाली या नॉन वेज थाली, मुझे अभी आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। सो इट्स गोना बी अ थाली टेस्टिंग प्रोग्राम एंड इट्स गोना टेक अराउंड 1 आवर टू रीच मेलन गार्डन बेसिकली। पता है कल से वापस, मतलब शेड्यूल में तो आ ही गए हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही दी है, बट आई रियली वांट टू स्टार्ट रनिंग यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पर लोकल ब्लॉग्स बनाना चाहती हूँ। आप लोग होप इंटरेस्टेड होंगे लोकल ब्लॉग्स के लिए एंड लोकल ब्लॉग्स के लिए। एंड अगर आप लोग मेलन गार्डन गए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। सो गाइस, यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है, पूछो मत। हम इतनी देर से जाम में फंसे हैं, मैं ये नहीं पता हूँ कब तक यहाँ से निकल पाएंगे। एंड अंकल जाम लगा हुआ है पीछे से, वो लाइटिंग मत खेलो, वो खेल रहा है गेट साइड वाली लाइट। सो स्पेस नहीं दे सकते हम, कहाँ जाएंगे यहाँ से पीछे से गाड़ी। फाइनली रीचिंग मेलन गार्डन, बट भाई को पार्किंग नहीं मिली तो वो गाड़ी लगाने गया है। द प्लेस इज फर्स्ट फ्लोर। सो वैसे इनके 2 फ्लोर हैं, नीचे सिंगर्स हैं फ्लोर पे, और जो दूसरा फ्लोर है वो ऊपर की तरफ है। आई मीन, और मैं आपको ये वाला एरिया भी दिखा दूँ। दिस इज हाउ दिस एरिया लुक एक्चुअली। तो वैसे अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, इट्स लाइक वेरी सिंपल प्लेस। अगर आप लोग पार्टी के लिए देख रहे हो रजौरी के पास, एंड यू नो इन बजट काइंड ऑफ प्लेस, सो दिस इज समथिंग विच यू आर एक्चुअली कैन गेट। So let's see what's we gonna get for it and I'll share you कि क्या क्या कैसा खाना था यहाँ का। तो बने रहना वीडियो में, ऑब्वियसली पता चलने के लिए कैसा फूड मिला। भैया हमें भी पानी पिला दो, हम नजर नहीं आए भैया आपको। सादा पानी पीना है हम लोगों ने। So that's the menu actually. You want to get LID? I'm thinking it. LID? Actually heavy नहीं चाहता मैं। So that's the menu actually for the drinks. So तुझे कॉकटेल चाहिए या फिर मॉकटेल चाहिए? Why don't you try this 5 shots? अच्छा, कॉकटेल दारू होती है, मॉकटेल जो होती है वो, हाँ, what do you want, cocktail or mocktail? ठीक है, 5 shot try करते हैं। वोडका के साथ है वो, वोडका बेस के साथ। कोई आप मॉकटेल सजेस्ट कर दो। टेकिला इसमें? तो दैट्स एक्चुअली हरा भरा कबाब। तो मैं भाई से पहले इसको, भाई तो ट्राई कर इसको, एंड दैट्स द चटनी यू एक्चुअली नीड।
I'll help you with the chutney. No issues. अरे कॉपीराइट इश्यूज हो जाएंगे पता है कि गाने चल रहे हैं आप I definitely loved this cold drink of yours, huh? मैं बस कोई वर्ड नहीं इस कल ड्रिंक के लिए टेस्ट भी फटा पड़ता है कल की ड्रिंक के अंदर है क्या क्या है इसके अंदर पीच का पंच है मैंगो के साथ पीच के साथ मैंगो का पंच है और ऐसा कैसा है ये नींबू भी काफी पर कैसा है खट्टा खट्टा अच्छा नहीं है सही है नींबू okay. जगह निकले अच्छा सो दैट्स द रिच थाली इन द हाउस एंड सी हाउ द बॉल शूट एक्चुअली फ्लावर से काम है इसकी जैसे थाली आ जाए मतलब जैसे वो आ जाए सब्जेक्ट तो वो कैसे शूट कर देगा चेक करो सबके कैमरे खुल चुके हैं सबका सब खुल चुका है एंड मेरा भाई भी कह रहा है आज मैं ब्लॉगिंग करूँगा सो ही इज गोइंग टू गो कहाँ जाते रही जा रही है अच्छी सी शूट ले ले शादी में भंडारा होता है ना गाइस उस तरह में जाके सारे सारे गेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं ना खाना खाने के लिए सब वही है ना जी और हम लाइन का पार्ट भी नहीं है दूर दूर तक मेरा फेवरेट गुलाब जामुन गाइस मेलन गार्डन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था बट एक ही कमी है इस जगह में कि वॉशरूम की क्योंकि वॉशरूम सिर्फ एक ही है वो भी साफ नहीं है एंड अब चलते हैं अपनी घर की तरफ किड्स इन टाइम खाना पीना खा लिया हम लोगों ने और इतने खाने की उम्मीद नहीं थी चले गाड़ी कितनी दूर है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और यहाँ तक आ गए तो कमेंट लिखना मत देना कि वीडियो कैसे लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ